नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आज के मंडी खबर में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, मक्का, चना और सरसों की, साथ ही बाजरा और सोयाबीन के भाव पर भी रहेगी नजर। इनके अलावा कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मंडियों में तेज हुए मक्का के भाव, बुआई में 1,72,000 टन की बढ़त। नरमी के साथ हुए चने के सौदे, नेफेड की खरीद 21 लाख टन के पार। नेफेड ने खरीदी 32,000 टन से अधिक की सरसों, इस साल उपज में आ सकती है कमी। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा मूंग, सेब और चने का बाजार, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मक्का के बाजार से। मक्का की बुआई चालू खरीफ सीजन में आगे चल रही है। बीते वर्ष के मुकाबले मक्का का रकबा 1,72,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं मंडियों में इन दिनों मक्का के हाजिर भाव में तेजी बनी हुई है। 3 अगस्त को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक कुछ सुस्त ही नजर आई। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कई कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव में तेजी दर्ज की गई है। वहीं मंडियों में मक्का की आवक ना के बराबर रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की हनागल मंडी में 31 जुलाई को लोकल मक्का का भाव रहा 1,200 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,250 रुपए। इसी तरह राज्य की ही होनाली मंडी में इस दौरान लोकल मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 3 अगस्त को मक्का का भाव रहा 1,450 रुपए, जो 31 जुलाई को 1,400 रुपए था। मक्का के भाव में बढ़त का सिलसिला कर्नाटक की मुंदारगी मंडी में भी बना रहा। यहां 31 जुलाई को पीली मक्का का भाव था 1,275 रुपए। 3 अगस्त को इसका भाव 21 रुपए उठकर 1,296 रुपए पर जा पहुंचा। मक्का की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के 31 जुलाई तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। साल 2020-2021 में खरीफ सीजन में मक्का की बुआई 74,30,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 72,58,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का की बुआई के रकबे में अब तक 1,72,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। तो जाना आपने मक्का के बाजार के हाल के बारे में। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कैसा है मूंग के बाजार भाव का हाल। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की, तो बता दें आपको मूंग का भाव यहां दर्ज किया गया 8,400 रुपए। इसके साथ ही यहां की मुंदारगी मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां इसकी बिकवाली हुई 7,186 रुपए पर, और राज्य की ही रायचूर मंडी में मूंग के सौदे दर्ज किए गए 4,800 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मूंग के बाद आगे बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं बुलेटिन में सेब के बाजार का हाल। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की, तो बताएं आपको सेब का भाव यहां दर्ज किया गया 7,500 रुपए। इसके साथ ही पंजाब की संगरूर मंडी की बात करें तो यहां इसके सौदे हुए 4,500 रुपए पर, और वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी की तो सेब के सौदे यहां दर्ज किए गए 7,600 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। सेब के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बता देते हैं चने के बाजार का हाल। बता दें आपको इन दिनों नेफेड की ओर से 4,875 रुपए के समर्थन मूल्य पर चने की खरीद की जा रही है। सरकारी खरीद से अब तक 11,08,000 से अधिक किसानों को लाभ मिल चुका है। वहीं मंडियों में चने के भाव में नरमी का रुख बना हुआ है। चने के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। मंडियों में सोमवार को चने की आवक सीमित रही। वहीं इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में 31 जुलाई को चने का भाव रहा 5100 रुपए।
3 अगस्त को भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,950 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की ही हुबली मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 3 अगस्त को चने का भाव रहा 3,769 रुपए, जो 31 जुलाई को 3,789 रुपए पर था। चने के भाव में गिरावट का सिलसिला राज्य की ही रायचूर मंडी में बना रहा। यहां 31 जुलाई को चने का भाव था 3,841 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदों में 5 रुपए की हल्की सुस्ती रही और भाव हो गया 3,836 रुपए। किसानों से 4,875 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद की जा रही है। 30 जुलाई तक सरकारी एजेंसी नेफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश से 21,43,000 टन से अधिक चना खरीदा है। नेफेड की ओर से हो रही सरकारी खरीद से अब तक 11,08,592 किसानों को लाभ मिला है। राज्यों में चने की खरीद की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से सबसे अधिक चना खरीदा गया है। यहां नेफेड की ओर से चने की कुल खरीद 7,06,313 टन की हो चुकी है। आंध्र प्रदेश से 1,27,915 टन, कर्नाटक से 1,01,843 टन, महाराष्ट्र से 3,70,718 टन, राजस्थान से 6,13,595 टन, तेलंगाना से 47,600 टन और गुजरात से 1,24,000 टन से अधिक चना खरीदा गया है। इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों से चने की खरीद की जा रही है। बता दें कि इस साल चने की उपज में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने चने के बाजार का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे सरसों और प्याज का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 तक। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी मूंगफली और आम की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा सरसों का बाजार। बता दें आपको कि मंडियों में इन दिनों सरसों के भाव में नरमी का रुख बना हुआ है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव नीचे आए हैं, जबकि कुछ मंडियों में भाव में स्थिरता भी देखने को मिल रही है। वहीं नेफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद जारी है, जिससे 3,18,000 से अधिक किसानों को अभी तक लाभ मिल चुका है। कैसा है सरसों का बाजार, जानने के लिए आइए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में दबाव का रुख है, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी बने हुए हैं। सोमवार को देश की गिनी चुनी मंडियों में ही सरसों की आवक रही। एक मार्केट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में सरसों के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी में सरसों के भाव में गिरावट का रुख रहा। 31 जुलाई को यहां सरसों के सौदे 4,725 रुपए के भाव पर हुए। 3 अगस्त को भाव में 10 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 4,715 रुपए के स्तर पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही रूरा मंडी में भी सरसों के भाव में खासी गिरावट दर्ज की गई। यहां 31 जुलाई को काली सरसों 6,500 रुपए के भाव पर बिकी। 3 अगस्त को भाव 2100 रुपए टूटकर 4,400 रुपए रह गए। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की बंगलुरु मंडी में सरसों के भाव स्थिर ही रहे। यहां 31 जुलाई को सरसों के सौदे 5,750 रुपए के भाव पर हुए।
3 अगस्त को भी भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और सरसों 5,750 रुपए के भाव पर ही बिकी। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से सरसों की खरीद की जा रही है। 30 जुलाई तक देश के अलग अलग राज्यों से 32,000 टन से ज्यादा की सरसों खरीदी जा चुकी है, जिससे 3,18,540 किसानों को लाभ पहुंचा है। नेफेड की ओर से चल रही ये सरकारी खरीद 4,425 रुपए के समर्थन मूल्य पर हो रही है। कृषि मंत्रालय ने इस साल देश में सरसों की उपज में कमी का अनुमान जताया है। तो जान लिया आपने सरसों के बाजार का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बता देते हैं मूंगफली के भाव के बारे में। बात करेंगे कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की, तो यहां पर मूंगफली का भाव दर्ज किया गया 7,500 रुपए पर, जबकि यहां की हुबली मंडी की अगर हम बात करें तो यहां इसके सौदे दर्ज किए गए 3,769 रुपए पर। और वहीं राज्य की ही मुंदारगी मंडी की बात करें तो यहां इसकी बिकवाली हुई 5,118 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, अब आपको बताते हैं बुलेटिन में आम के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे पंजाब की अमृतसर मंडी की, तो यहां पर आम का भाव दर्ज किया गया 1,400 रुपए, जबकि यहां की जालंधर सिटी मंडी की हम बात करें तो इसकी बिकवाली हुई 1,700 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में आम के सौदे दर्ज किए गए 2,650 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग मंडियों में आम के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में बात करते हैं प्याज के बाजार की। बताएं कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। वहीं बात अगर इसकी आवक की जाए तो सोमवार को मंडियों में प्याज की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कुछ कम ही दर्ज की गई। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल देश में प्याज की उपज कुछ बढ़ सकती है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। वहीं बात इसकी आवक की करें तो सोमवार को मंडियों में प्याज की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। एगमार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे। पंजाब की बात करें तो यहां की धारीवाल मंडी में 3 अगस्त को प्याज का भाव रहा 900 रुपए। इसी राज्य की मोगा मंडी में प्याज के सौदे 1100 रुपए क्विंटल के भाव पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात की जाए तो यहां की इटावा मंडी में प्याज 1100 रुपए के भाव पर बिका, जबकि यहां की फिरोजाबाद मंडी में प्याज का भाव रहा 1290 रुपए। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की रायचूर मंडी की बात करें तो प्याज का भाव रहा 680 रुपए, जबकि इसी राज्य की बंगलुरु मंडी में प्याज के सौदे 850 रुपए क्विंटल के भाव पर हुए। कृषि मंत्रालय के इस साल के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस वर्ष प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। साल 2019-20 में प्याज की कुल उपज 2,67,38,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 2,28,19,000 टन रहा था। सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में भारी कमी आई है। साल 2019-20 में अप्रैल से मार्च यानी 12 महीनों के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 19,27,788 टन का ही हो सका है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 31,92,493 टन का रहा था। तो जान लिया आपने प्याज के बाजार का हाल। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। पचास साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल। जारी है कृषि दर्शन का ये सफर किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में आपको बताते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। बता दें आपको कि मंडियों में सोमवार को सोयाबीन की आवक कुछ सुस्त बनी रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में आवक ना के बराबर दर्ज की गई। बात करेंगे इसके हाजिर भाव की, तो बता दें आपको कि एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में सोमवार को सोयाबीन के भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। बात करेंगे कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की, तो यहां पर सोयाबीन का भाव रहा 5,200 रुपए, जबकि इसी राज्य की ही हुबली मंडी की बात की जाए तो इस दौरान सोयाबीन के सौदे यहां दर्ज किए गए 3,255 रुपए पर। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल देश में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 30 जुलाई तक सोयाबीन की बुआई 1,16,62,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल बुआई 1,07,64,000 हेक्टेयर ही रही थी। यानी इस साल सोयाबीन के रकबे में 8,98,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार का हाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बता देते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में कैसा है आलू के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की, तो बता दें आपको आलू का भाव यहां दर्ज किया गया 2,150 रुपए, जबकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी की बात करें तो यहां इसकी बिकवाली हुई 1,200 रुपए पर, और वहीं उत्तर प्रदेश की करवी मंडी की बात की जाए तो यहां इसका भाव रहा 1,950 रुपए। बता आपको कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आलू के बाद आइए बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में, आपको बता देते हैं टमाटर के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे कर्नाटक की कोलार मंडी की, तो बताएं आपको टमाटर का भाव यहां दर्ज किया गया 1,000 रुपए, जबकि पंजाब की जालंधर सिटी की हम बात करते हैं तो यहां पर इसकी बिकवाली हुई 1,000 रुपए पर, और वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी की तो यहां पर टमाटर की बिकवाली दर्ज की गई 3,400 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने टमाटर के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बताते हैं बाजरा के बाजार के बारे में। बता दें आपको कि बाजरा का रकबा बीते साल के मुकाबले कुछ बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 30 जुलाई तक खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई 5,99,000 हेक्टेयर बढ़कर 54,74,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की अगर हम बात करते हैं तो ये आंकड़ा 48,75,000 हेक्टेयर ही रहा था। इसके हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो बता दें एगमार्क नेट के अनुसार 3 अगस्त को अलग अलग मंडियों में कुछ इस तरह से इसके बाजार भाव दर्ज किए गए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,950 रुपए, जबकि यहां की ही मुंदारगी मंडी की हम बात करें तो भाव रहा 1,231 रुपए, और वहीं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी की बात की जाए तो बाजरे के सौदे यहां दर्ज किए गए 1,270 रुपए पर। बता दें आपको कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था मंडियों का हाल, और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।